नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुकानें खुली पर बना रहा भ्रम, कलमनाक पिंटू तड़ी पार, जानलेवा हमला। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। दुकानें खुली पर बना रहा भ्रम। मनपा की तरफ से सोमवार की शाम को जारी आदेश में स्पष्टता नहीं होने से मंगलवार को सुबह भ्रम की स्थिति बनी रही। कोविड के मरीज घटने के साथ ही नागपुर में लगभग डेढ़ महीने से अधिक समय के बाद अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खुली। दोपहर 2 बजे तक दुकानें गुलजार रही। मनपा की तरफ से सोमवार की शाम को जारी आदेश में स्पष्टता नहीं होने से मंगलवार को सुबह भ्रम की स्थिति बनी रही। वहीं कुछ स्थानों पर सलून भी खुले दिखे, जिसे बाद में मनपा के न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड ने बंद कराया। एनडीएस ने दुकानदारों को समझाया कि शॉपिंग सेंटर मॉल में मौजूद दुकानें बंद रहेंगी, वहीं नॉन इंसेशियल दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। भ्रम की स्थिति टालने के लिए मनपा प्रशासन की तरफ से मंगलवार को दुकानों के खोलने के समय रियायतें आदि की सूचना तैयार कर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया। फिर भी कमाल चौक, जरीपटका, गांधीबाग, मस्कासात, इतवारी सहित अधिकांश बाजारों में नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं होने से अफरा तफरी की स्थिति बनी रही थी। शुरुआती 1-2 दिनों तक मनपा की तरफ से दुकानदारों को नियमों के तहत रहकर दुकान खोलने की हिदायत दी जाएंगी, फिर भी वे नहीं माने तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। 15 जून तक यह नियम लागू रहेंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मौजूद दुकानें कई स्थानों पर खुली थी, उन्हें बंद कराया गया। उन्होंने आदेश में उल्लेख नहीं होने की दलील की। कुछ दुकानदारों ने कहा कि यह मॉल थोड़े है, बाद में समझा बुझा कर दुकानें बंद कराई गई। तो वही दूसरी ओर कलमना का पिंटू तड़ीपार। कलमना थाना परिसर के कुख्यात गुंडे पिंटू लकन सेलोकर को डीसीपी नीलोत्पर ने 1 साल के लिए जिले से तड़ीपार किया है। डिप्टी सिग्नल बाजार चौक निवासी पिंटू के खिलाफ शराब तस्करी, मारपीट, जुआ, मटका चलाने आदि के मामले दर्ज है। उसकी सक्रियता से नागरिक में दहशत निर्माण हो गई थी। तो वही तीसरी ओर जानलेवा हमला। अपनी ओर देखकर हंसने से गुस्साए अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। यह वारदात सोमवार की रात इमामवाड़ा थाने के तहत जातर रोडी में हुई है। नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हिमांशु राय जातर रोडी, कुनाल बाग, ठाकुर वार्ड, धनतोली तथा उनके 2 नाबालिग साथी है। वे रविवार को आरोपियों को 18 वर्षीय आर्यन कालिदास राउत द्वारा उन्हें देख कर हंसने का संदेह हुआ। इससे खफा होकर उन्होंने आर्यन से विवाद किया। सोमवार की रात 10 बजे आर्यन को घर के पास रोका, उससे अपनी ओर देखकर हंसने की वजह पूछते हुए विवाद करने लगे। लाठी से उसकी बेदम पिटाई कर दी, पेट में छुरा खोपकर हत्या का प्रयास किया। इमामवाड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।